राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे मरघट वाले बाबा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये एक बेहद प्राचीन मंदिर है और इसकी मान्यता श्रद्धालुओं में बेहद ज्यादा है। लेकिन पिछले दिनों इस मंदिर को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ, जो कि थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यह मामला फूड डिलीवरी से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर परिसर में एक कचौड़ी की दुकान है, जिसे राम कचौड़ी वाले की दुकान के नाम से जाना जाता है। इस दुकानदार पर आरोप है कि उसने स्विगी से मांसाहारी भोजन का ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय से मंदिर के अंदर मीट डिलीवर करने की जिद की। लेकिन सचिन पांचाल नाम के डिलीवरी बॉय ने इससे इनकार कर दिया और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। देखो भाइयों, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये है हनुमान जी का मंदिर मरघट वाले बाबा का जमुना जी पे। ये देखिए भाई, ये मरघट वाले बाबा जी हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर बालाजी महाराज का जमुना जी के ऊपर। और ये साथ में है कौन सी दुकान? राम कचौरी वाले की। ये राम कचौरी वाले की दुकान है। इसने अभी अभी स्विगी से ऑर्डर किया है मटन कौरमा और दो खमीरी रोटी नज़ीर फूड से करोलबाग से, और कह रहा अंदर सप्लाई करो मेरे को आप ही ऑर्डर। ये देखिए भाई, ये मंदिर है अपना बालाजी महाराज का, हनुमान जी का। और वो दुकान, ये आपको जो बड़ी बिजी बिल्डिंग दिख रही है, इसके नीचे है वो दुकान। और ये देखिए, ये जो सारी सीमा है, जो दीवार है, इस दीवार के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, सारी दुकानें मंदिर के अंदर आती है। ये कोई रोड पे दुकान नहीं है कि फुटपाथ पे हो, ये मंदिर के अंदर दुकान है। देखो, इस मंदिर के अंदर दुकान है जो मंदिर के साथ में दीवार है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप मुझे चिकन, मुझे मटन का ऑर्डर सप्लाई करो। ये राम कचौरी वाला है जो अपने मरघट वाले बाबा पे बैठा है जमुना जी के यहाँ राजघाट के अपोजिट। ये देखिए मंदिर बालाजी महाराज का, प्राचीन हनुमान मंदिर है। ये देखिए, देखो भाई, ये है नज़ीर फूड का ऑर्डर जो अभिषेक शर्मा ने मंगाया था राम कचौरी वाले ने। उस पर लिखा है साफ साफ मटर कौरमा चॉइस 2 पीसेज और बटर नान। ये देखिए, ये दिन में तो प्रसाद बेचते हैं मंदिर के सीमा में बैठ के, और रात को मटन कौरमा खाते हैं आराम से। ये देखिए इनवॉइस नंबर, ये इसकी आईडी है जिसने ऑर्डर दिया है, ये फोन नंबर जो भी है स्विगी। सचिन पांचाल एक आस्थावान हिंदू लड़का था, स्विगी ने उसकी नौकरी खा डाली, लेकिन वह अपने धार्मिक कर्तव्य से डिगा नहीं। लेकिन इस बीच इस मामले को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। कुछ हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि राम कचौड़ी वाले के नाम से मंदिर परिसर में अपनी दुकान चलाने वाला हिंदू समुदाय से नहीं आता है, इसीलिए उसकी हनुमान जी पर कोई आस्था नहीं दिखाते हुए मंदिर परिसर में मीट मंगाने जैसा गुनाह किया। और हम बंद होने के लिए भी तैयार हैं। आपका नाम हटाया जाए, इसको हमें कोई दिक्कत नहीं है। केस पड़े कुछ भी हो, हिंदू आस्था से खिलवाड़ नहीं होगा तो नहीं होगा। बाकी दुकानदारों को भी मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, हमारा खुद विरोध करें इस दुकान का। और ये दुकान यहाँ पर रही तो लानत है आप लोगों पे। और हनुमान मंदिर के परिसर में शॉप, ये गंदा काम हो रहा है। अपनी दुकान का नाम खान कचौड़ी क्यों नहीं रख लेते तुम? और मुस्लिम सही बात है, वो बढ़िया। और शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी बिल्कुल। और केस एक लगते हो तो 10 लगे तो नहीं, बिल्कुल वही इस मामले में हिंदू धर्म का काम कर रहे हैं, तो इस हालांकि यहाँ पे अपराध नहीं कर रहे हम।
सबसे बड़ी बात है कि राम के नाम पर छुरी नहीं चलेगी, मुंह में राम नगर में छुरी नहीं चलने देंगे। लगाओ जय श्री राम का नारा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इस मामले का सच सामने आना अभी बाकी है, लेकिन अगर यह आरोप सच है कि छद्म हिंदू नाम रखकर दूसरे लोग मंदिर और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो यह वास्तव में एक बेहद गंभीर बात है। इस मामले में यह जानना भी बेहद जरूरी है कि मंदिर परिसर में दुकान खोलने की प्रक्रिया क्या है, और क्या दुकान देने से पहले किसी तरह की जांच पड़ताल होती भी है या नहीं। क्योंकि अगर यह आरोप सच निकला कि झूठा हिंदू नाम रखकर दूसरे समुदाय के लोग मरघट वाले बाबा जैसे प्रसिद्ध मंदिर में दुकान चला रहे हैं और मंदिर परिसर में मीट मंगवा कर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो भविष्य में इससे गंभीर समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इस मामले का पूरा सच सामने आना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उदय इंडिया।